फैट एक ऐसा शब्द बन गया है जिसका शरीर में कहीं भी ज़्यादा होना एक टेंशन की वजह बन जाता है। यही फैट जब लीवर में जमा हो जाता है तो फैटी लीवर बीमारी बन जाता है। अपने हेल्थ शो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज हम बात करेंगे कि इस बीमारी को दूर करने में कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं मदद कर सकती हैं। फैटी लीवर दो तरह का होता है। पहला है अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो ज़्यादा शराब पीने की वजह से होता है, और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो लाइफस्टाइल, जेनेटिक, खाने पीने में लापरवाही या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट से भी हो सकता है। फैटी लीवर आजकल एक बड़ी बीमारी के रूप में फैल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक 10 लोगों में से लगभग 6 से 7 लोगों को फैटी लीवर हो सकता है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि फैटी लीवर को इग्नोर करना बेहद खतरनाक हो सकता है और ज़्यादा बढ़ने पर ये लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति का लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा तो शरीर में मौजूद फैट और ख़राब कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, वो बढ़ सकता है और इससे हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फैटी लीवर के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिसमें पेट में सीधे तरफ ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है, वजन कम होना, कमजोरी फील होना, आँखों और स्किन में पीलापन आना, खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट ना होना, एसिडिटी रहना या पेट में सूजन होना, ये सभी बातें फैटी लीवर बीमारी का संकेत है। इस तरह के लक्षण महसूस होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह और दवा जिनसे आप इस बीमारी को काबू में रख सकते हैं। हमारा मानना ये है कि अब 10 में से 7 लोगों को फैटी लीवर है, चाहे उनको मालूम है वो डायग्नोज हुआ है या अनडायग्नोज्ड है, बट है। फैटी लीवर अपने आप में एक बीमारी की तरह स्टडी किया गया है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत मैसिव हैं, करेक्ट। बट फैटी लीवर का मतलब ये नहीं है कि आपके पेट पर जितनी भी चर्बी जमा हुई है वो सारी की सारी जाकर लीवर पर ही इकट्ठी हो गई है। वो चर्बी आपके बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी है, जिसको हम बोलते हैं विसरल फैट। जैसे ही एक कोटिंग होगी एक फैट की आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ, उन ऑर्गन्स के काम करने की क्षमता कम होती जाएगी, करेक्ट। चाहे वो पैनक्रियाज है, चाहे वो गॉल ब्लैडर है, चाहे वो स्प्लीन है, चाहे आपका लिवर है। बट जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो यहाँ एक समझने की बात यह है, क्रूशियल इसलिए है क्योंकि लिवर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बहुत मदद करता है। वो खाने के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है और साथ में टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो अगर लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो मानिए कि आपकी बॉडी में अब टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत तरह की आगे आने वाली क्रॉनिक बीमारियों की उपज होगा। देखिए, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू होता है आहार से, फिर आता है विहार और फिर आता है औषध, है ना। तो सबसे पहले तो फूड रेक्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। रिफाइंड फूड्स एकदम बंद करें, मैदा, कोई भी चीज़, वाइट शुगर्स, ये सब बंद करें। फ्रूट्स की भी इन एक्सेस तब अच्छी नहीं है अगर फैटी लिवर है तो, ठीक। दूसरा विहार, विहार मतलब लाइफस्टाइल। बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बहुत सिटिंग करते हैं या बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल या बहुत आलसी होते हैं तो ज़्यादातर फैट आपके पेट के ऊपर इकट्ठा होगा और यही फैट डिफरेंट ऑर्गन्स को लेयर करेगा, इंक्लूडिंग लिवर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसकी एफिकेसी को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ से जितना हो सके फैट को जमा ना होने दें या उसको बर्न करें एक्सरसाइज करने से। तीसरा, जो हर्ब्स बहुत अच्छी हैं इन आयुर्वेदा, एक है भूमि आमलकी, जिसका बहुत अच्छा रोल है लिवर इश्यूज़ में। दूसरा पुनर्नवा। पुनर्नवा जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये आपकी बॉडी में जो डीजेनरेटेड सेल्स हैं, ऑलरेडी जो डीके की तरफ जा रहे हैं, ये उसको रिवाइव करता है। तो पुनर्नवा का एक बहुत अच्छा रोल है। मेडिसिन प्रिपरेशंस में अगर हम जाते हैं तो फल त्रिकादी क्वाथ, ये थोड़ा कड़वा है, बिटर है, तो ये बच्चे नहीं लेते हैं इजीली, बट इसका रोल बहुत अच्छा है अपने लिवर के डिटॉक्स करने के लिए। इसके अलावा हमारा और भी पटोल, कटू, रोहिणी आदि काढ़े हैं। कुछ कंपनीज़ अब इनकी टैबलेट्स बनाने लग गए हैं जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है अर्बन लिविंग के लिए। जो लोग वर्किंग है ऑफिस में, बॉटल नहीं रखना चाहते, वो टैबलेट प्रिपरेशन सब आ गई हैं, वेरियस कंपनीज ने प्रोवाइड किए, ये भी बहुत हेल्पफुल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो आप अपने फिजिशियन के टच में आइएगा, क्योंकि अगर आपका मृदु कोष्ठ है, लेट्स से आपका डेलिकेट सिस्टम है, आप कुछ भी लेते हैं आपको बार बार डायरिया हो जाता है, तो ये मेडिसिन बहुत केयरफुली लेनी है, अदरवाइज ये डायरिया कॉज कर सकती है। तो पहले तो प्रिवेंट आप अपने फिजिशियन से मिलिए। हाँ, पुनर्नवा आप आराम से ले सकते हैं। पुनर्नवा के टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये आधा चम्मच दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। सेम इज़ विद भूमि आमले की, ये आप आधा से 1/4 चम्मच दिन में 1 बार 2 बार इसको आराम से ले सकते हैं। ये इंटरेस्टिंगली
वीड की तरह उगा है। अगर आप अपने गार्डन्स में घूमेंगे तो ये देखेंगे इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं छोटे से, जो कई बार हमारे गार्डनर्स उठा के फेंक देते हैं। इनके पत्ते इमली के पत्ते जैसे दिखते हैं, मतलब ये मिनिएचर इमली एंड मिनिएचर आम का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे भूमि आमलकी कहा जाता है। इनकी लीव्स जब हम ऊपर से देखते हैं तो छोटे इमली के पत्ते के जैसे होते हैं, बट इनका जो एकदम आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आप जब उन पत्तियों को उलट कर देखेंगे तो नीचे की तरफ येलो डॉट्स के फ्रूट्स लगे होंगे, विच रिजेंबल मैंगो, वो आम को रिजेंबल करते हैं, इसीलिए इसका नाम भूमि आमलकी है। इसका आप काढ़ा भी पी सकते हैं, आप इसको क्रश करिए और इसको बॉईल करिए और पी जाइए। इसका स्वरस भी लिया जाता है, इसको सिंपली क्रश करके आप जूस निकालिए उसको भी ले सकते हैं। इन दैट केस आप एक ग्लास पानी में आप आधा चम्मच डालिए और उसको बॉईल करके रिड्यूस करिए और इसको कंज्यूम करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।